नगरोटा के सैनिक स्कूल की है तस्वीर। आप स्क्रीन में साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरह से रात के समय एक लेपर्ड दीवार कूद कर अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, किस तरह से लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर नहीं जा पाता। और साफ तौर से सीसीटीवी में साफ तौर से कैद हुआ है कि किस तरह से सैनिक स्कूल नगरोटा यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे अक्सर वहाँ रहा करते हैं। और रात के समय आप साफ तौर से देख रहे हैं सीसीटीवी में किस तरह से कैद हो रहा है कि एक लेपर्ड लगातार प्रयास कर रहा है दीवार फांद कर अंदर जाने का प्रयास कर रहा है। और फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है कि वहां पर वाहन वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी पहुंचकर उन्होंने जाल बिछा दिए हैं और अब कहीं भी अगर इस तरह से लेपर्ड कहीं भी दिखाई देता है तो उसे पकड़ने के लिए फिलहाल कोशिश जारी है। लेकिन हम आप लोगों से भी ये कहेंगे कि अगर आप लोग भी कहीं इसे देखते हैं तो जल्द से जल्द आपको पुलिस को सूचना देनी है। और इस तरीके से जब आपको कहीं लेपर्ड दिखता है तो आपको उससे बचकर रहना है, क्योंकि ये जो जानवर है काफी खतरनाक है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक जानवर आपने एक बार गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में देखा था कि किस तरह से उसने एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल भी किया था। लेकिन ये जो खबर है, जो जो विजुअल मैं आपको साफ तौर से स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक लेपर्ड जो कि सैनिक स्कूल नगरोटा की दीवार फांदकर कर सीसीटीवी में कैद हुआ है कि अंदर जाने का प्रयास कर रहा है लगातार, ये तस्वीरें आपको साफ तौर से सैनिक स्कूल नगरोटा के सीसीटीवी की हम आपको साफ तौर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो साफ तौर से अब इसे ढूंढने में लगे हुए हैं और टीमें जो लगाई गई हैं लगातार इसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तब तक आप लोगों से ये कहेंगे कि आप लोग तर्क रहें जब तक ये लेपर्ड नहीं मिलता।